हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आए थे और बहुत दिनों से मैं गाड़ी के वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था, केवल ब्लॉग डाल रहा था। अब दोस्तों मुझे थोड़ा सा समय मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ब्रेजा के कुछ वीडियो आपके लिए लेके आऊँ और बताया जाए कि ब्रेजा कैसी चल रही है, क्या क्या चीज़ें जो है हम फील कर रहे हैं। एक साल गाड़ी को कम्प्लीट हो चुका है तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपनी ब्रेजा का एक ओवरऑल ओनर रिव्यू देने वाला हूं, ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूं, क्योंकि गाड़ी को एक साल से ज़्यादा हो गया है। हमने ये गाड़ी फरवरी में ख़रीदी थी और अप्रैल आ गया है तो एक साल एक महीना हो चुका है हमारी गाड़ी को। तो आपको पता होगा ये गाड़ी 2023 फरवरी में हमने परचेस की थी और उस दौरान जब हम इस गाड़ी को परचेस करने गए थे तो काफ़ी वेटिंग थी और अभी भी वेटिंग है। हमारी गाड़ी का जो वेरिएंट है वो VXI है, पहली चीज़। दूसरा, इस गाड़ी में दोस्तों आपको स्मार्ट हाइब्रिड मिलता है, यानी 2023 में इस गाड़ी में स्मार्ट हाइब्रिड आता था और अब VXI और LXI में नहीं आ रहा है, फिर से ZXI या ZXI+ में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी स्मार्ट हाइब्रिड मिलने लगा है। बीच में कंपनी ने सभी वेरिएंट में बंद कर दिया था मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में जो ब्रेजा थी, तो उसमें किसी में भी आपको स्मार्ट हाइब्रिड नहीं मिल रहा था, आपको पता होगा। और गाड़ी का जो प्राइस था वो भी कंपनी ने कम नहीं किया था, तो काफ़ी लोगों ने जो है बुकिंग कैंसिल कराई थी, लेकिन फिर भी ये गाड़ी नंबर वन पोजिशन पर रही। तो कंपनी ने ऐसा क्यों किया, अब ये तो कंपनी जाने, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो 1 लाख का सामान इसमें से निकाल लिया था कंपनी ने और 1 रुपये भी प्राइस में कम नहीं किया था, प्राइस कट नहीं किया था। तो ये चीज़ों को छोड़ते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ ब्रेजा के साथ में। तो अभी हमारी ब्रेजा करीब 8000 किलोमीटर चलने वाली है और इसकी जो हमारी एक साल वाली 10000 किलोमीटर वाली जो सर्विस है वो हमने करवा ली थी, करीब 7000 किलोमीटर पे हमने सर्विस करवाई थी और सर्विस के दौरान जो खर्चा आया था करीब 1700 रुपये का आया था मात्र। उसमें ऑयल चेंज हुआ था, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो की गई थी। तो मतलब मेजर सर्विस नहीं होती, लेकिन ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात सर्विस की, अब बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों इस गाड़ी के साथ में मेरा, वो बहुत ही लाजवाब रहा है। इस गाड़ी की खासियतों की अगर बात करें दोस्तों तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने इस सेगमेंट की लगभग सभी गाड़ी चलाई हुई हैं और ब्रेजा ही मैंने चूज़ की थी, उसके पीछे के कई सारे कारण थे। हालांकि मैंने वीडियो में आपको बताए हैं, जैसे कि इसमें एक स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसका एक सबसे बड़ा कारण था। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, करीब 15 से 20% माइलेज गाड़ी का बढ़ जाता है। और बीच में ये गाड़ी में स्मार्ट हाइब्रिड नहीं आ रहा था तो माइलेज आपको कंपनी कम क्लेम करके दे रही थी, करीब 17.38 का माइलेज क्लेम कर रही थी। और पहले जो ब्रेजा में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती थी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारी गाड़ी में VXI वेरिएंट होने के बावजूद भी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, तो इसमें 20.17 का माइलेज कंपनी क्लेम करती थी और ये गाड़ी सिटी में आराम से 15-16 का माइलेज निकाल देती है AC के साथ में। और हाईवे की अगर बात करें तो अगर इस गाड़ी को आप 100 के अंदर चलाएँगे, 100 की स्पीड के अंदर चलाएँगे यानी 80-90 चलाएँगे तो ये आराम से 18-20 का माइलेज निकाल देती है। लेकिन हाँ, अगर गाड़ी में फुल पैसेंजर है, फुल लगेज है, तो ये माइलेज 2 किलोमीटर के लगभग कम हो जाता है, फिर गाड़ी करीब 18 किलोमीटर का 17-18 का माइलेज निकाल के देती है। डिपेंड करता है कि गाड़ी को आप चलाते कैसे हैं, ठीक है। तो माइलेज काफ़ी अच्छा देती है। दूसरा, इस गाड़ी को सिटी में चलाने में बहुत अच्छा मज़ा आता है, हाईवे पर इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि जैसे ही आप इस गाड़ी को 100 से ऊपर ले जाते हैं तो आपको छठवें गियर की कमी फील होती है और इंजन नॉइस थोड़ी थोड़ी आपको केबिन में फील होने लग जाती है। तो इसमें 6 गियर का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अगर 6 गियर होते तो और अच्छा माइलेज मिलता और इसको हाई स्पीड में चलाने में काफ़ी मज़ा आता। हालांकि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हाई स्पीड में अगर आप 120-140 तक मैंने चलाई है, इससे ज़्यादा नहीं चलाई है, अगर आप 140 तक भी ले जाते तो भी गाड़ी स्टेबल रहती है। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता कि 140 तक आप ले जाएं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने 140 तक इसको चला के देखा है तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल गाड़ी है, कोई भी इशू इसमें नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें जो टायर मिलते हैं वो बेस्ट एंड सेगमेंट है, यानी कि 215 सेक्शन के चौड़े टायर मिलते हैं बेस वेरियंट से ही, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट में भी आपको मिलते हैं, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जबकि अदर गाड़ियों में देखा जाए तो बेस वेरियंट या मिड वेरियंट में आपको इतने चौड़े टायर नहीं मिलते हैं।
तो माइलेज की बात हो गई, इसके परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इस गाड़ी की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है इसका रिफाइनमेंट लेवल। आप इस गाड़ी को जब चलाएंगे ना तो आपको एकदम केबिन में शांति फील होगी, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट है। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, ये कोई नई बात नहीं है। एक्चुअली ये चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे और इस गाड़ी को जब ड्राइव करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना अंतर है अदर गाड़ियों के मुकाबले, कितना तगड़ा इसका रिफाइनमेंट लेवल है इंजन का। इसके अलावा जब सिटी में चलाते हैं, मैं कह रहा था कि सिटी में चलाने में बहुत मज़ा आता है, वो इसलिए क्योंकि गाड़ी किसी भी गियर में उठ जाती है। अदर कंपनी की गाड़ी अगर तीसरे से सेकंड गियर डाउन मांग रही है तो ये आराम से तीसरे में उठ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से उठती है। मतलब आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत बहुत ही कम लगेगी, जिससे आपकी ड्राइव थोड़ी सी ईजी हो जाती है और आपको क्लच वगैरह दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार, ना गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में भी बताया है कि गाड़ी के लुक्स भी बहुत अच्छे हैं, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। हालांकि ब्रेजा अब बहुत ज़्यादा हो गई है, जब मैंने ली थी उस टाइम पर इतनी ब्रेजा हमारी सिटी में नहीं थी, तो काफ़ी लोग इसको मुड़ मुड़ के देखते, तो अभी भी देखते हैं। हालांकि गाड़ी में हमने कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कराया, हालांकि इसमें अगर अलॉय व्हील वगैरह डल जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आ जाता है। तो सर्विस के बारे में मैंने आपको बता दिया, सर्विस कॉस्ट भी बहुत कम रही है इसकी, कोई ज़्यादा नहीं रही है। अब 20,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस होगी, जो कि मेजर सर्विस होती है, उसके बारे में हम अगले साल बता पाएंगे। फिलहाल तो इस गाड़ी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस गाड़ी को जब आप चलाएँगे तो ख़राब रास्तों पर इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि सस्पेंसर पर भी काफ़ी अच्छा वर्क किया मारुति ने। अगर आप स्लोली चलेंगे तो आपको बम्प फील होंगे, लेकिन जैसे ही आप हाई स्पीड में ख़राब रास्तों पर अपनी गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो आपको बम्प बहुत कम फील होंगे। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, करीब 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी चलाते समय कि गाड़ी नीचे से लगेगी नहीं, आप आराम से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ और मुझे काफ़ी पसंद आती है वो ये है कि इसका जो व्यू मिलता है ना ड्राइवर सीट से, देखिए तो बोनट का लेफ़्ट साइड का व्यू पूरा मिलता है, जिससे आपको गाड़ी चलाना काफ़ी आसान हो जाता है, जजमेंट करना लेफ़्ट साइड का काफ़ी इजी हो जाता है। और अगर माइलेज की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए अभी भी जो माइलेज दिखा रही है 20.9 का दिखा रही है। तो माइलेज इसकी सबसे बड़ी USP है, और इसका जो इंजन का रिफाइनमेंट लेवल है वो बहुत तगड़ा है। इसके AC की अगर बात करें तो पिछली गर्मियों में मैंने इसको अच्छे से टेस्ट कर लिया और अभी भी टेस्ट कर रहा हूँ, AC का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेयरिंग का फीडबैक भी बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट स्टेयरिंग व्हील है, जिससे सिटी में चलाते समय काफ़ी मज़ा आता है, और जैसे ही आप हाई स्पीड में हाईवे पे अपनी गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो इस पर अच्छा खासा वेट आ जाता है। इसके अलावा अगर सेफ्टी फ़ीचर की बात करें तो सेफ्टी फ़ीचर भी गाड़ी में अच्छे दिए गए हैं, और 4-star सेफ्टी रेटिंग के साथ तो ये गाड़ी आती है। साथ में इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा यूज किया है, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें, बॉडी शीट क्वालिटी की बात करें तो पहले से अपग्रेड की गई है, और पहले भी ब्रेजा काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आती थी। तो ये अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। अगर ड्रॉबैक की बात करें तो एक तो इसमें 6 gear का होना ज़रूरी था, दूसरा इसमें थोड़ा सा फ्रंट सीट में थाई सपोर्ट मुझे थोड़ा सा कम लगता है अपने हिसाब से, क्योंकि मेरी जो हाइट है लगभग 6 foot के करीब है, तो थोड़ा सा मुझे थाई सपोर्ट कम लगता है। अभी सीट कवर वगैरह नहीं लगाए मैंने, तो थाई सपोर्ट वाली सीट कवर हम लगवा लेंगे तो उससे ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा मुझे गाड़ी में कोई कमी नहीं लगती है। तो ये मेरा एक ओनरशिप रिव्यू था, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में टाइप करके ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी वाली वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।